तो शुरू करते हैं आज का जो आ, हमारा पहला टॉपिक है वो है पीएम विश्वकर्मा स्कीम नॉर्मल जैसे हम बेसिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं और समझते हैं तो उसी तरीके के ये छोटी छोटी जो पॉलिसीज़ हैं स्कीम हैं ये हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जैसे अगर आप लोगों ने जी पेपर थ्री का पेपर कल देखा होगा है ना तो उस पेपर को जब आपने देखा होगा तो उसमें आपने इन चीज़ों को समझा भी होगा कि खास तौर पे शुरुआत के जो चार क्वेश्चन हैं जो मैं अपना एक सेगमेंट कहूँगी इकोनॉमी और एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है आपका ठीक है फिर उसके बाद इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और फोर्टीन ये जो क्वेश्चन रहे ये इकोलॉजी माफ कीजिएगा इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए रहे ठीक है और इनमें भी जो क्वेश्चंस बने वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को रिलेट करते हुए बने अब पहला ही क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसमें आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा एम की बात करेगा है ना तो जब हम ऐसी योजनाओं की बात करते हैं तो उसमें यही क्या यही तो दिया हुआ है कि एम का इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या एक योगदान है और सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं पॉलिसीज लाएगी यही तो था कुछ तो जब हम ऐसी छोटी छोटी योजनाओं को छोटी योजनाएं अपने आप में बहुत बड़ी योजना है इन्हीं योजनाओं को बड़े ध्यान से समझते हैं और पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास एक कलेक्टिव नॉलेज क्रिएट हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन को करने में हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है ठीक है क्लियर है तो यहाँ आप देखेंगे पी विश्वकर्मा योजना तो वाट इज दिस क्या है ये योजना तो ये जो योजना है इस योजना का जो एक मूल उद्देश्य है वो यह है कि जो हमारे यहाँ कारीगर हैं या शिल्पकार हैं या ना क्राफ्टमैन जैसे कौन कारीगर कारपेंटर हैं बूट मेकर हैं ब्लैक स्मिथ लोहार हैं सोनार हैं है ना या अगर हम कहें तो बोट बनाने वाले हैं तो इन सब लोगों को क्या दिया गया है यहाँ पर एक इस योजना के अंतर्गत उन्हें कुछ लाभ दिया जाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके जहाँ हम लोग इस बात की तरफ देख रहे हैं कि दुनिया हाईटेक होती जा रही है वहीं ग्लोबल मार्केट में हैंडमेड चीज़ों की डिमांड भी बढ़ रही है ऐसा पीएम मोदी ने बोला अपनी इस योजना को लागू करते हुए अपनी स्पीच में भी इस चीज़ को उन्होंने रखा तो यहाँ पर क्या है कि इन शिल्पकारों के हुनर को बढ़ावा दिया जाएगा यानी कि इसको बढ़ा हुनर को बढ़ावा दिया जाएगा कैसे उनके स्किल को और ज़्यादा डेवलप करके अब देखो जब ये शिल्पकार हुनरमंद और अच्छे से हो जाते हैं तो ये एम एस एम ई है ना यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मतलब कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को ये बढ़ावा देंगे कुटीर उद्योग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं छोटे छोटे कुटीर उद्योग और इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद अब देखो इसका इंपैक्ट और कहां पड़ेगा इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद आप देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जो प्रोड्यूस करता है वो एम ही करता है ठीक है छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं वो एग्रीकल्चर के बाद इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अब देखो ये चीज़ें सारी जो ये जो तो न्यूज़ है आपका कनेक्ट होता है सीधा जीएस पेपर थ्री से ही अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट आ जाता है एमएसएमई आ गया एमएसएमई की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका योगदान कैसे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में है ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है ये सारी चीजें शब्दों को मैं आपको लेकर चलूंगा धीरे धीरे करके आगे कि ये शब्द क्या है लेकिन इसका जो एक ओवरऑल आप एनालिसिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी तो कुल मिला बेसिक की तरफ बढ़ते हैं इतना लिख लिया आप लोगों ने ठीक है ओवरऑल अगर बेसिक की तरफ चलेंगे तो क्या हो गया कि ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ठीक है इसके द्वारा ये लाई गई इसमें क्या है इसमें 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है यानी कि 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को शामिल किया गया है कितने 18 फैक्ट्स हैं ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर कि 18 ट्रेडिशनल ठीक है ट्रेड ट्रेड्स को इसमें शामिल किया गया है ठीक ठीक है ट्रेडिशनल ट्रेड जैसे ये कारपेंटर बोट मेकर्स और इसके साथ साथ जब इस योजना को लागू किया गया तो इस योजना को लागू करते समय भी भारत के प्रधानमंत्री ने चार क्षेत्रों में क्या किया है चार क्षेत्रों के लोगों को अवॉर्ड भी दिया है ठीक है चार क्षेत्रों के लोगों को अवार्ड भी दिया है इनमें कारपेंटर बोट मेकर एक केरल का वो, के वो वोट मेकर है जो नाव बनाने वाले हैं उनको यहाँ पर अवार्ड प्रदान किया गया जब इसकी इसको लागू किया गया अब इसमें क्या है इस योजना के अंतर्गत आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है कि जो लाभार्थी है लाभार्थी मतलब यानी कि जो बेनिफिशरी जो जिसको चुना जाएगा इसमें ठीक है उसको तीन लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा यानी कि लोन दिया जाएगा ठीक है लोन दिया जाएगा और लोन पर इंटरेस्ट इसमें जो गारंटी है है ना गारंटी समझते हैं कि क्या होता है जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमें गारंटी देनी पड़ती है ठीक है कोलेटरल एविड देना पड़ता है हमें प्रूफ देना पड़ता है तो यहां पर गवर्नमेंट ने जो है अपनी गारंटी दी है ठीक है ये पॉइंट्स ये सारे जो हैं नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं करेंगे भी तो करना भी चाहिए क्योंकि इन जब योजना से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में तो इन्हीं पॉइंट्स को उठाया जाता है ठीक है क्लियर है तो इसके अलावा इसके ब्याज पर आठ परसेंट तक का परिधान मतलब सब्सिडी सब्सिडी जो है आठ परसेंट तक की सब्सिडी जो भी इंटरेस्ट उस पर जाएगा उस पर एट परसेंट जो है सब्सिडी कौन देगी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है यहां पर ठीक है क्लियर है इसके अलावा ये जो तीन लाख रुपए हैं केवल एक बार में नहीं मिलने वाले हैं इन तीन लाख रुपयों को कुछ अलग अलग माध्यम तीन टुकड़ों में दिया जाएगा जैसे सबसे पहले पहली बार एक लाख रुपए जो दिया जाएगा ठीक है इस पर जो है किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा स्टेटमेंट बन जाएगा बड़े आराम से बहुत ही सरलता से इस पर किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देना है दूसरा जो एक लाख रुपया है तो हम यहां पे यह मानकर चलें कि व्यक्ति ने जब एक लाख रुपए इन्वेस्ट किए इनमें से किसी भी व्यक्ति ने जब ये आ, इन्वेस्ट किया एक लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो उससे कुछ कमाया होगा तो सरकार ने जब दूसरा बार जो एक लाख रुपए दिए तो उस पर पांच परसेंट ब्याज अदा करने के लिए कहा गया ठीक है क्लियर है बात यहाँ पर तो ये एक आ, प्रोसीजर होगा इसको लेकर ये एक प्रोसीजर है इसको लेकर फिर इसके बाद आप अगर देखेंगे तो इसके अलावा इसके अलावा पंद्रह हजार रुपये जो है बेनिफिशरी को दिया जाएगा जो लाभार्थी है किसके लिए दिया जाएगा अपने टूल किट को खरीदने के लिए टूल किट यानी औजार खरीदने के लिए है ना अब भाई जो बोट मेकर है उसको औजार की जरूरत पड़ेगी तभी तो वो बोट बनाएगा तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं इन ये जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये सब स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं ये समझ लो कि आपका प्रीलिम्स में आने वाला जो क्वेश्चन है उसके स्टेटमेंट्स हैं ये और बड़े आराम से आ जाते हैं इससे ठीक है तो चीज़ों को इस तरह से योजना को आपको भी अगर योजना कहीं पढ़नी है कोई पढ़नी है तो इस तरह से इनके पॉइंट्स को आप निकालें और ये सारे पॉइंट्स आप अगर चाहेंगे तो न्यूज़ से ही निकल जाएंगे ठीक है अगर आप चाहेंगे तो न्यूज़पेपर से निकल जाएंगे इसके अलावा इसमें क्या किया गया है कि जो लाभार्थी है उसको पांच दिन तक वर्कशॉप में जाना होगा जब उसको चुन लिया जाएगा कि हां भाई ये व्यक्ति जो है हम इसको रख रहे हैं तो वर्क कार्यशाला यानी वर्कशॉप ठीक है पांच दिनों तक वर्कशॉप में जाना होगा जरूरी नहीं है कि आप मतलब हो सकता है कि भाई वो कहीं मजदूरी करता हो तो वो पांच दिन तक जब कार्यशाला में जाएगा वर्कशॉप में जाएगा स्किल को डेवलप करने के लिए या ट्रेनिंग के लिए तो उसकी जो मजदूरी खत्म हो जाएगी ठीक है कहीं और की मजदूरी छोड़ के वो क्यों जाएगा तो इसके लिए क्या किया गया कि पांच सौ प्रतिदिन उसे दिया जाएगा क्लियर हो रही है बात ठीक है तो इस विश्वकर्मा योजना में इस चीज को हमने लेकर आया हाँ एक फिर तीसरी बार में फिर एक ठीक है हाँ क्लियर है फिर इसके बाद लाभार्थी की जो पहचान है पॉइंट नोट करेंगे जो बेनिफिशरीज है इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन जो है तीन आइडेंटिफिकेशन जो है वो तीन लेवल पर होगी तीन स्तर पर होगी ठीक है एक तो ग्राम पंचायत स्तर पर ठीक है ग्राम पंचायत लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट लेवल पर ठीक है और एक स्टेट लेवल पर जो पहचान है कि भाई कौन व्यक्ति योग्य है इस योजना के है ना उसको इसका लाभ दिया जाए उसकी बात यहां पर बोली गई ठीक है क्लियर है इसके साथ साथ पीएम मोदी ने इस योजना को लागू करते हुए कुछ और पॉइंट्स का जिक्र किया जैसे जिस जो पहले से योजना चली आ रही थी लोकल फॉर वोकल यह आपने सुना है ठीक है लोकल फॉर वोकल वो सॉरी वोकल फॉर लोकल यहां भी उल्टा लिखा हुआ है चलिए तो जो लोकल यानी कि जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं ठीक है उसके उत्पादन को बढ़ावा देना है और उसे हम लोग ही जब तो यूज करना शुरू करेंगे तो क्या होगा और लोग भी उसको यूज करना शुरू करेंगे तो उस चीज को कहां लेकर जाना है लोकल ग्लोबल यानी कि अब इसे जो है ग्लोबल लेवल जो लोकल स्तर पर वस्तुएं थी उसको कहाँ लेकर जाना है ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना है यानी ग्लोबल सप्लाई चेन में इसको शामिल करना है क्योंकि विश्व स्तर पर यह देखा जा रहा है आप लोग भी अभी देखते होंगे कि जैसे ही पीएम मोदी कहीं किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो अपने साथ कुछ हैंडमेड गिफ्ट लेकर जाते हैं और वो वहां के मंत्रियों को या जो प्रमुख होते हैं उनको देते हैं क्लियर है तो ये क्या दिखा रहा है कि हमारे यहाँ जो हैंडमेड चीज़ें मिलती हैं बनती हैं जो उसका क्रेज जो है अब पूरे विश्व वो एक एडवर्टाइजमेंट है वो क्या है एक एडवर्टाइजमेंट है यहां बिजनेस समझो ये हमारा एक एडवर्टाइजमेंट है जब हम किस पूरे विश्व के सामने हम ये दिखा रहे हैं कि हम ये गिफ्ट दे रहे हैं तो लोग अंदर क्यूरोसिटी बच रही है अरे ये कितना खूबसूरत है कितना सुंदर है हम भी लेकर आएंगे कहाँ मिलेगा ये इंडिया में उस जगह पर बनता है वहाँ मिलेगा तो अब क्या होगा जो इंटरनेशनल लेवल पर लोग हैं वो ट्राई करेंगे इस चीज को परचेज करना खरीदना क्लियर तो यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ेंगी इसके साथ ही आपने देखा होगा कि एमएसएमई या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं है ना उनका भी योगदान रहता है हमारी इकोनॉमी में तो उनके लिए पीएम स्वनिधि स्ट्रीट बेंडर्स के लिए लाया गया था ये ताकि कोरोना के बाद उनको कुछ पैसा ऋण के रूप में दिया गया और वो अपने कार्यों को फिर से शुरू कर पाए जैसे आपने देखो ठेला लगाने वाले लोग होते हैं ठीक है स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनके लिए वो लाया गया तो इसका भी जिक्र इस न्यूज में किया गया था कि पीएम स्वनिधि और इसके साथ साथ जो है ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना स्कीम ठीक है तो ये जो था ये आज का हमारा एक था ये स्कीम को लेकर था सबसे पहले इस चीज को जानना है कि ये स्कीम का जो आपका रिलेशन है वो किससे जुड़ता है ठीक है बिल्कुल एमएसएमई को बढ़ावा यहां पर देना है इस चीज को लेकर ठीक है